आज दिनांक 12/5/2023 को अपर जिलाधिकारी बलरामपुर प्रदीप कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव, मंडी परिसर भगवतीगंज बलरामपुर व मंडी परिसर तुलसीपुर में मतगणना प्रक्रिया में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारी पुलिस बल को निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतगणना प्रक्रिया के अनुपालन हेतु ड्यूटी के लिए ब्रीफ किया गया। महोदय द्वारा ब्रीफ करते हुए निर्देशित किया गया कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी सूचना के संबंध में संबंधित प्रभारी व उच्चाधिकारी को दूरभाष द्वारा तत्काल सूचित किया जाए। ड्यूटी पर लगा समस्त पुलिस फोर्स द्वारा मतगणना स्थल पर उपस्थित प्रत्याशी एवं आमजन के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता ना होने पाए। मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन तथा अन्य कोई वर्जित सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने समकक्ष जोनल व सेक्टर पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। बारा छबड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि गत दिनांक 8/5/2023 को बापचा थाना क्षेत्र के कड़ैया छतरी गांव में रात्रि के समय में अपने घर में सोते हुए श्री किशन सुमन नाम के व्यक्ति की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में थाना बापचा पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण संख्या 61/2023 धारा 302 भादस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। टीम का गठन प्रकरण मानव हत्या का होने से मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बारा ने जितेंद्र कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा के निर्देशन में पूजा नागर व्रताधिकारी व्रत छबड़ा के नेतृत्व में सुरेंद्र सिंह कुंतल उप निरीक्षक थानाधिकारी बापचा की एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश पतारशी आरम्भ की है। ग्राम पंचायत सरेड़ी में आयोजित किया गया मीडिया प्रभारी लियाकत अली ने बताया कैंप के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश मीणा रहे, शिविर प्रभारी जिला कलेक्टर भारती दीक्षित रही और कहा एक भी लाभार्थी हमारे जिले में छूट ना जाए। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति हर एक परिवार इसका लाभ ले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार योजनाएं चला रखी है, ऐसी योजनाएं जो हर वर्ग को टच करें। आज हम भी इन योजनाओं के लाभान्वित हैं। चिरंजीवी योजना में RGHS होता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी और जितने सरकारी अधिकारी हैं वे सभी लोग इन योजनाओं के पात्र होते हैं। हमको भी इनका लाभ मिल रहा है, तो ऐसी योजना जो हर वर्ग हर समाज के लिए बनी हुई है उनका लाभ हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो अपना अपना जो काम है इतना बखूबी तरीके से करना है जो हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। सीढ़ी कैंप में आज 1 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका जिला कलेक्टर साहिबा एवं पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने चंदीबाई वाइफ ऑफ रोडूलाल नांदेड़ा को सम्मानित किया और पूर्व विधायक कैलाश मीणा का 51 किलो के हार से भव्य स्वागत किया गया। लखीमपुर खीरी थाना सिंगाही के ग्राम पंचायत शीतलापुर में बने छोटे शिव मंदिर पर हुआ विवाद। आपको बता दें कि सिंगाही थाना के ग्राम पंचायत शीतलापुर में श्री केशन आरख के निजी आवास स्थान पर बने शिव मंदिर में कल मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया था और मूर्ति स्थापित करने के बाद रात्रि में जागरण हो रहा था, तभी अचानक राजपाल पुत्र श्री केशन यादव ने शराब पीकर मंच पर चढ़कर कलाकारों को मारने लगे और गंदी गंदी गालियां देने लगे, जिस पर बड़ा विवाद छिड़ गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक 20 वर्षीय लड़की ने राप्ती नहर में छलांग लगा दी, परिजनों में हड़कंप मच गया। मामला जनपद के थाना ललिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इमलिया के मजरा सुकाली जोत का है। बाबू अली ने बताया कि आयशा की 8 दिन बाद 18 मई को शादी थी, जिससे हम लोग शादी का सामान लेने के लिए बाजार चले गए थे। जब हम लोग वापस लौटे तो लड़की की छोटी बहन ने बताया कि 5 बजे
आयशा शौच के लिए बाहर गई है, अभी तक नहीं आई है। काफी देर हो जाने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो राप्ती नहर पर शौच का डिब्बा व पैर के निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि लड़की नहर में कूद गई है। घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर थाना ललिया प्रभारी निरीक्षक जयहरी मिश्रा ने गोताखोर व ग्रामीणों की सहयोग से नहर में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन 21 घंटे बीत जाने के बाद भी नहर में लड़की का पता नहीं चल सका। बाबू अली नाम है। कहाँ के निवासी हैं? सुकाली जोत मिलिया। थाना कौन सा? ललिया। अच्छा, क्या मामला हुआ था? हमारे लड़की का सर शादी रहा, 18 तारीख का रहा, डेट फिक्स रहा, हर जगह कार्ड बंट चुका है और हम चले गए रहन बाजार खरीदारी करे, बेड और कपाट को ले रहा वही ले चले गए रहन। लड़की घर पर रही, 4-5 लड़के और रहे और वहाँ से घर सामान लेके वापस आन तो घर पे वो नाई रही, फिर हेरे लागन लापता हो गया, नाई पता चला था कि कहाँ गई है। लगभग कितने बजे का मामला है? 5 बजे के है टाइम, 5 बजे के लगभग जो है कल, हाँ कल जो है गायब हुई है शाम को 5 बजे। तब से अभी तक कुछ नहीं पता चला है। अच्छा, आप किसी थाने पर सूचना दी इसकी? हाँ, सूचना दिए रहन सब आए हैं, सब ललिया थाना से सब साहब लोग आए हैं यहाँ और नहर में पानी में सब चेक करवाए हैं, सब उसमें देखे हैं, नहीं मिली है लड़की। उत्तर प्रदेश के बरेली में अशोका फॉर्म में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत हो जाने के मामले में गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतकों और घायलों के परिजनों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, इस दौरान काफी लंबा जाम लग गया, वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ आला अधिकारियों को बुलाने की मांग करती रही। इस मामले में थाना फरीदपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बाग निवासी अशोक गोयल की फरीदपुर के गांव मैगी नगला में अशोका पीयू फॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे तेज धमाके के बाद आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 150 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां रखी फॉर्म बारूद की तरह जलने लगी और उससे कई मीटर ऊंची लपटें निकल रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे आग पर काबू पाया गया। मजदूरों से सामान पूरा निकलवा लिया उन्होंने। क्योंकि एक निजी फॉर्म की फैक्ट्री में कल रात्रि में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो है झुलस गए थे, जिनका एक निजी अस्पताल में फरीदपुर में ही इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में एक मृतक अरविंद मिश्रा के भाई श्री प्रमोद मिश्रा जी के द्वारा जो है थाना फरीदपुर पर एक संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया है। यह मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर आदि के विरुद्ध है, जो 304 IPC में पंजीकृत किया गया है। मृतक के सभी लोगों का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई से संपादित कर। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नगरपालिका परिषद से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मुमताज बेगम ने अपने पति साकिर मंसूरी के साथ जाकर राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान किया। मुमताज बेगम के पति साकिर ने जनता से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इस बार जनता परिवर्तन करेगी, जनता जब जान चुकी है कि सपा बसपा भाजपा के एजेंट हैं, लिहाजा अब की बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहती है, जनता अब विकास चाहती है, इसलिए सही प्रत्याशी को चुनकर मतदान करें। आप वोट डालने के लिए आए, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही गुस्सा है मतदाताओं के अंदर, और मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो सब वोट करें और परिवर्तन लाएं। परिवर्तन टिकट का नियम है और जो अभी तक जो लोग नगर पालिका बना रखा है उसे एक आदर्श नगर पालिका बनाए और पुराने लोग जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करें। और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही जो है भाजपा की टीम है, कांग्रेस ही देश को में परिवर्तन ला सकती है। कर्नाटक में हम सरकार बना रहे हैं और बहुत जल्दी 2024 में भी हम देश में सरकार बनाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।